प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान जगदलपुर में 23,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नगरनार में एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण किया। इसके बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट लगने से यहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर राजस्थान की तरह अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। हमारे बीच में स्वागत उद्बोधन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अरुण साहु जी को साथियों, मेरा निरंतर प्रयास है कि आपके इस आशीर्वाद को यहां का विकास करके लौटाऊं, दिन रात परिश्रम करके आपकी सेवा करके ये कर्ज मैं चुका सकूं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। हत्याओं के मामले में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में पहुंच चुका है। कभी कभी तो लगता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है कि कहां सबसे ज्यादा हत्याएं होती है, कहां सबसे ज्यादा लूट होती है, कहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ आजकल एक दूसरे की स्पर्धा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में विकास या तो पोस्टर और बैनरों में दिखता है या फिर कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी में दिखता है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर दिया है तो वो है झूठा प्रचार और घोटालेबाज सरकार। झूठे प्रचार की आड़ में ये लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, हर कोने से एक ही आवाज आ रही है। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति एक ही बात कह रहा है, छत्तीसगढ़ कह रहा है औ नहीं सहीबो, औ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो, बदल के रहीबो, आओ नहीं सही बो, बदल के रही बो। मेरे परिवारजनों, ये बस्तर, ये दंडकारण्य आज बना हो ऐसा नहीं है। यहां आदिवासी मेरे भाई बहन मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद आकर के नहीं बसे हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये मेरे आदिवासी भाई बहन नहीं आए। अरे यहां के लोग तो तब भी थे जब प्रभु श्री राम यहां आए थे।
मेरे आदिवासी भाई बहन चाहते थे, इसलिए ही अटल जी की सरकार ने अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा सरकार ही थी, अटल जी की सरकार थी, जिसने केंद्र में अलग जनजातीय अलग मंत्रालय बनाया, जनजातीय विकास के लिए अलग बजट बनाया और जनजातीय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया। और कांग्रेस ने इतने दशकों का क्या किया भाई? कांग्रेस ने बस्तर को भी दशकों तक नजरअंदाज किया, आप लोगों की परवाह ही नहीं की। उनके दो चार ठेकेदारों को संभालते थे और वही आपसे वोट लेकर के उनको दे देते थे, उनकी गाड़ी चल जाती थी, उनको आपकी परवाह ही नहीं थी। ये भाजपा सरकार है या मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए? भाजपा सरकार ने दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी बनाई और मैं तो उसको देखने गया था। साथियों, मैंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन के बहुत वर्ष मैंने आदिवासी क्षेत्रों में गुजारा है। मेरा तो आपसे सीधा नाता है, दिल का नाता है।